ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में वेदांता ग्रुप के फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाने के पीछे आधार यह है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया है। दरअसल एनजीटी के पास एक मामला आया था जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1200 हेक्टेयर खनन क्षेत्र के पास स्थित गांवों में लेड, जिंक और अन्य संबंधित खनिजों के माइनिंग लीज को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है और इस आधार पर पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन हो रहा है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल ने भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए गए निर्देश में कहा है कि खनन के इन प्रोजेक्ट से गांव पर पड़ने वाले असर और उसमें सुधार करने पर आने वाली लागत के रूप में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना 3 माह के अंदर अंदर जमा करें। इसके साथ ही एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा की एक ज्वाइंट कमेटी ऐसा रेस्टोरेशन प्लान तैयार करे जिससे भीलवाड़ा के क्षेत्रों के भूमिगत जल की गुणवत्ता और मिट्टी का स्वास्थ्य बना रह सके। एनजीटी का कहना है कि 6 पंचायतों भेरूखेड़ा, कोठिया, बालापुरा, परसरामपुरा, आगुचा, कल्याणपुरा में रहने वाले लोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के विकास कार्यों के भुक्तभोगी हैं, यानी विक्टिमाइज्ड हैं। तो ये आधार था 25 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का। अब हम जानते हैं कि एनजीटी क्या है और उसके मुख्य काम क्या हैं। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, या जिसे हम अधिकरण भी कहते हैं, उसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के इन्फोर्समेंट के लिए, यानी प्रवर्तन के लिए इसे बनाया गया था। यह भुक्तभोगी व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति, यानी कंपनसेशन प्रदान करने का भी काम करती है और यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों का समाधान करती है। यह ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के किसी भी प्रोसीजर यानी कार्यविधि से चलने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उससे गाइडेड होती है। और यह अधिकरण आवेदनों और याचिकाओं को प्राप्त होने से 6 माह के अंदर उसके निपटारा हेतु प्रयास करती है और इसका मैंडेट उसे मिला है। इस अधिकरण की जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है और इसके अलावा जो इसकी बेंचेस हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंटल बॉडी है, एक ऐसा पर्यावरणीय निकाय है जो हमारे देश में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है। यह देखता है कि हमारे देश में जितनी भी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे वनों की कटाई से निपटा जा सकता है, कैसे वन्य जीवों की तस्करी से निपटा जा सकता है, कैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं और जो खनिज संसाधन हैं जिनकी अंधाधुंध माइनिंग होती है उससे कैसे निपटा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर यह काम करता है। इसके अलावा एनजीटी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक सिविल कोर्ट का दर्जा रखती है, यानी एक सिविल कोर्ट की तरह भी काम करती है। सिविल कोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी इसके आदेश या जो सम्मन जारी कर सकती है ये, और किसी भी व्यक्ति को अपने पास साक्ष्य के लिए बुला सकती है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि एनजीटी का गठन कब और किस अधिनियम के तहत किया गया था। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके साथ ये भी बताएं कि जो इलीगल माइनिंग होती है हमारे देश में उससे निपटने के लिए कौन से प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, आप कौन से प्रभावी उपायों को सुझाएंगे, इसके बारे में आप हमें बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूर ढे आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ढे आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।